बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। ठीक है, इससे पहले आपने बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, फिर इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। इकोलॉजिकल लेवल में क्या था, इंडिविजुअल लेवल, सॉरी कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, बायोस्फेयर, इकोसिस्टम। ठीक हो गया, तो अब ये वहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, इसका दूसरा नाम क्या है, बायोस्फेयर, या दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है, जोन ऑफ लाइफ। कहाँ पे लाइफ, कहाँ पे, प्लैनेट अर्थ पे। ठीक है, अब जो बायोस्फेयर है ना, बायोस्फेयर में तमाम इकोसिस्टम आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक हो गया, जितने भी आपने पढ़े हुए हैं। इकोसिस्टम को मैं डिफाइन करूँ तो इकोसिस्टम क्या, किसे कहते हैं, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, उसे इकोसिस्टम कहेंगे। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, पीएच, टेम्परेचर, सोइल, क्लाइमेट। ठीक हो गया, हमारी बुक कहती है देयर आर नंबर ऑफ, इनॉमरस नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड साइज, मतलब बेतहाशा नंबर है, और वो साइज़ में इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि हाइट वाइज इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो फैल रहे हैं तेज़ी से प्लैनेट अर्थ पे, उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारी बुक क्या कहती है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्लैनेट अर्थ, मतलब कि फैले हुए हैं, कसीर मिकदार में है, अबंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपकी जो जो एक जगह है, ठीक है, एक स्पेस है, जो अर्थ है, वहाँ पे एक स्पीशी जो है ना, वो बताएगी कि दूसरी स्पीशी प्रेजेंट होगी या नहीं। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वन स्पीशी विल डिटरमाइन और विल डिसाइड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी। ठीक है, मतलब कि इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे कि हमारे पास हैं प्लांट्स हैं, ठीक है, एक खेत है, फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे प्लांट्स हैं। अब उस पे प्लांट्स पे आपको पता है क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बग्स होती हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल खेतों में आग लग जाए, ठीक है, प्लांट्स मर जाएंगे, इसका मतलब प्लांट्स गए तो बाकी जो स्पीशी है वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी बुक कहती है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वन स्पीशी विल डिटरमाइन और विल डिसाइड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी। ठीक है, बुक ने हमारी क्या एग्जांपल दी है, बुक ने कहा है हमारे जो प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स वो एज ए फूड एक्ट करते हैं, मतलब प्लांट्स आर द मेजर और बेसिक जो है ना ट्रॉफिक लेवल वो हैं। ठीक हो गया, आपने पढ़ा था लास्ट नाइन्थ क्लास में कि जो प्लांट्स हैं ना, वो हमारा बेसिक जो ट्रॉफिक लेवल है ना, वो प्लांट्स हैं। ठीक है, जो फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट्स जो हैं फूड चेन में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, इन्हीं से सब चीज़ें डिसाइड कर रही होती हैं। प्लांट्स डिसाइड करते हैं कि उस कम्युनिटी में, उस एनवायरनमेंट में, उस स्पेस में कौन सी स्पीशी प्रेजेंट होगी और कौन सी स्पीशी नहीं होगी। ठीक हो गया, अच्छा जी, और फिर हमारी बुक कहती है प्लांट्स में भी कोई ये नहीं होता कि सारे ही प्लांट्स डिसाइड कर रहे होते हैं, उनमें से मेजर टाइप, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, ठीक है, कुछ बिल्कुल नन्हे मुन्ने से झाड़ियाँ होंगी, वीड्स होंगी, बुशेस होंगी, वो नहीं, मेजर टाइप प्लांट्स डिसाइड करेगी कि वहाँ पे कौन सी स्पीशी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारी जो बुक है ना, वो कहती है बायोम का एक उसने वर्ड यूज़ किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ठीक है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। ठीक है, वो कहता है बायोम क्या है, एक लार्ज, एक बहुत बड़ी रीजनल कम्युनिटी, रीजनल का मतलब क्या होता है, इलाकाई, रीजन, इलाका। ठीक है, प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, किस तरह से, किससे डिटरमाइन होगी, क्लाइमेट से। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या होता है, फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट से मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी कि हमारा जो फॉरेस्ट है, क्लाइमेट है, वो एक लार्ज रीजन है। ठीक है, उसमें क्या आ सकते हैं, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो वो जो है ना फॉरेस्ट, वो वहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि वहाँ पे कम्युनिटी कौन सी होगी। क्लाइमेट डिसाइड कम्युनिटी, कम्युनिटी हमारी क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक हो गया, ये प्लांट्स हो गए। ठीक है, और फिर कम्युनिटी जो होगी वो डिसाइड करेगी कि फर्दर वहाँ पर कौन सी फूड है होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सहरा है, ठीक है, डेजर्ट है,
वहाँ पे पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो आपने पढ़ा हुआ है ज़ीरो फाइट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि खुश्की में ग्रो करते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, ठीक है, बुशीज़ हो जाएंगी, वीड्स हो जाएंगी, प्रेजेंट होंगी, बस ट्रीज़ तो नहीं होंगे। आप मरी में चले जाओ, वहाँ पर बारिशें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े स्नोबर के ट्रीज़ हैं, ठीक है, कोनीफेरस ट्रीज़ हैं, क्यों, वहाँ पे बारिशें होती हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है ना किसी जगह का, वो डिटरमाइन करेगा कि उसमें उसका बायोम क्या है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, ठीक हो गया। अब वो कहता है वी सी रिकॉर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर टाइम इन दिस टॉपिक। हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कब आए, ठीक है, किस टाइम पे आए, और फिर उनके बाद कौन से आए, ठीक है, मतलब कि हमारे एंसेस्टर कौन थे, हमारे डिसेंडेंट कौन थे, ये हम इस टॉपिक पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हमारी बुक कहती है प्लैनेट अर्थ जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, लाइफ, और लाइफ कैसी है, देयर आर वेरियस ऑर्गेनिजम्स, मतलब वैरायटी है, ठीक है। अब वो कहते हैं जो हमारे प्लैनेट अर्थ है उसमें जो पहले हमारे एंसेस्टर आए जो कि वेल डेवलप्ड थे, ठीक है, जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स थे वो जो डोमिनेट कर गए, ठीक है, वो वहाँ पे सक्सेसिव हो गए, ठीक है, जो डोमिनेट नहीं करे वो रिसेसिव हो गए वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, डेड हो गए, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उधर प्लैनेट अर्थ पे क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, मतलब राज करेंगे वहाँ पे, ठीक हो गया। अपने अपने वक्त की बात कर रहा है वो, अपने अपने इरा में राज करेंगे, ठीक हो गया। ओल्ड ऑर्गेनिजम्स जिनकी डेथ हो गई वो एक्सटिंक्ट हो गए, नापैद हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल्स, ठीक हो गया। फॉसिल्स किनसे कहते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब नापैद, उनके रिमेन्स जो के नापैद हो गए हों उन्हें क्या कहते हैं, फॉसिल्स। अब फॉसिल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, देखो एक फॉर एग्जाम्पल आप डायनासोर ले लो, ठीक है, वो आए अपने एरा में, उन्होंने राज किया, ठीक है, डोमिनेट कर गए, ठीक है। अब जब वो डेड हुए तो वो सेडिमेंट हो गए, ठीक है, सेडिमेंट को प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन होगी वहाँ पे, फिर उन्होंने रॉक्स बना ली, सेडिमेंट्री रॉक्स, क्या बना ली, सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर लेयर्स बना ली, ठीक है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्री जो है ना रॉक्स पे वो बैठते चले गए, बैठते चले गए। जैसे जैसे एक स्पीशी आती थी वो जैसे डेड हो जाती थी, फिर नेक्स्ट स्पीशी आ जाती थी, फिर वो डेड होती थी, फिर उससे नेक्स्ट स्पीशी आती थी, फिर वो डेड होती थी, फिर उसके ऊपर मतलब लेयर्स बनती जा रही थी। और मैं सी की बात कर रही हूँ, ठीक है, सी है ना, जैसे कोई भी, चाहे अर्थ ले लो चाहे सी ले लो, ठीक है, चाहे अर्थ ले लो चाहे सी ले लो, ठीक हो गया। डिसेंडेंट आया, उसने लेयर बना ली, फिर उससे ऊपर आया, फिर उसने लेयर बना ली, फिर उससे आया, फिर उसने ऊपर लेयर बना ली। तो सबसे निचली वाली जो लेयर होगी वो हमारे क्या होंगे, एंसेस्टर होंगे, और सबसे जो रीसेंट लेयर होगी वो हमारे क्या होंगे, डिसेंडेंट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या, हाँ वही बने हुए आपको बता दिए, जो पहले मरेगा, ठीक है, जो पहले मरेगा इसकी जो लेयर होगी वो नीचे आपको मिलेगी और वो हमारा एंसेस्टर होगा, ठीक है, और जो एंड में मरेगा मतलब कि जब बाद में मरेगा वो उसकी लेयर आपको ऊपर मिलेगी। अच्छा अब वो क्या कहता है, नेचर ने इन जो लेयर्स को ना ऑर्गेनाइज किए हुए रखा है, अरेंज करके रखा है, मतलब ये लेयर्स जो है ना डिस्टर्ब नहीं हुई, चाहे सी की बात कर लो चाहे अर्थ की बात कर लो, ठीक है, वो तह बताए ऐसी लेयर्स की फॉर्म में आते गए हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा वो डिस्टर्ब जो है, वो जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं हुई, ठीक है। अब क्या हम पता लगा सकते हैं कि इस लेयर में कौन सा स्पीशी है, इस लेयर में कौन सी स्पीशी है, जी हाँ बिल्कुल हम पता लगा सकते हैं, कैसे, कार्बन डेटिंग के थ्रू। कार्बन डेटिंग जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि कार्बन 14 जो है हमारा आइसोटोप है, आपको पता है आइसोटोप जो होता है उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, एमिट होती रहती हैं, लाइट निकलती रहती है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, रेडिएशंस एमिट करता है, क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या करती है, जैसे एक एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो उसके बाद कुछ सालों के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी, जाहिर सी बात है जैसे जैसे वो एलिमेंट रेडिएशंस एमिट करेगा
तो उसकी तो हाफ लाइफ कम होती जाएगी, मतलब डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगी। एलिमेंट मीट विल नॉट फिनिश लाइन, ठीक है, जो एलिमेंट होगा वो कार्बन 14 है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसकी जो हाफ लाइफ है। इसकी एग्जाम्पल ये इस तरह से समझो आप, कार्बन है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम, 50 ग्राम उसकी क्वांटिटी है, वेट है ठीक है, और उसका वो जो है उसकी हाफ लाइफ जो है वो क्या है, 1 ईयर है ठीक है। 1 साल के बाद जब उसकी हाफ लाइफ होगी तो वो 25 ग्राम हो जाएगा, जाएगी, हाफ करनी होती है ना, हमने हाफ 50 का आधा किया तो कितना हो गया 25, फिर इसको 1 साल बाद आधा किया तो 12.5 ग्राम, फिर इसको साल बाद आधा किया तो 6.25। मतलब कि हम हमेशा 1 साल बाद आधा आधा करते जाएंगे तो आगे वैल्यू क्या चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। फिगर कभी ख़त्म नहीं होगी, फिगर विल नॉट फिनिश, ठीक है, कोई ना कोई हमें उसकी क्वांटिटी मिलेगी। मतलब कि कार्बन जो है वो इम्पोर्टेंट आइसोटोप है, वो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है, और कार्बन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आइसोटोप है, उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं। तो जो सबसे एंड वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो डेप्थ में पड़ा होगा, उसमें मिल तो जाएगा, हमें पता तो चल जाएगा कि यहाँ पे कोई लाइफ थी किसी ज़माने में, लेकिन उसमें जो हमारे पास कार्बन डेटिंग के थ्रू कार्बन की जो अमाउंट आएगी, जो वैल्यू आएगी, या जो उसमें से रेडिएशन एमिट हो रही होगी, वो बहुत थोड़ी होगी, मतलब पॉइंट्स में करके। तो हमें पता चल जाएगा कि ये फलाना जो इतने साल ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पुराना है। ठीक हो गया, कार्बन डेटिंग समझ आई है? सॉरी, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रेसेस विल ऑलवेज फाउंड, ठीक है, हमें जो ट्रेसेस होंगे वो लाजमी मिलेंगे, ट्रेसेस मतलब बहुत थोड़ी अमाउंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलेंगे। लास्ट लेयर जो होगी, आखिरी लेयर जो होगी, मतलब जो सबसे बॉटम वाली, नीचे वाली लेयर जो होगी, उसमें हमें ट्रेस अमाउंट मिलेगी, और जो रिसेंट लेयर होगी उसमें हमें गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बन मिलेगी, ठीक है। C14 की बात हो रही है, C14 आइसोटॉप की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, फॉसिल, हम वो कहते हैं हमारे पास एक फॉसिल है, वो 100 मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। अगर वो, जाहिर सी बात है, किसी ज़माने में अलाइव था, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो जब वो अलाइव था तो वो उस इरा में डोमिनेट था, ठीक है। तो साइंटिस्ट हमारे पास ये कहते हैं, जो हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अरेंज कर लेते हैं अपने आप को टेम्पोरल टाइम चार्ट में, टेम्पोरल मतलब टेम्परेरी, ठीक है, टाइम चार्ट अपना एक बना लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहती है, हमारी बुक जो कहती है हमें हर एक के फॉसिल्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हार्ड बॉडीज़ होती हैं, हार्ड बोन्स होती हैं, ठीक है, तो हमें बोन्स की वजह से जो हड्डियाँ हैं, गले सड़ी जो जैसे भी हों, हमें मिल जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की, सिवाय सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स के। सॉफ्ट बॉडीज़ जो होती हैं, या जिसमें हड्डियाँ नहीं होती, या जिनकी बैकबोन नहीं होती जिन एनिमल्स की, हमें उनके फॉसिल्स नहीं मिलते, चाहे वो ज़मीन ले लो, चाहे वो समुंदर ले लो, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो हैं उनके फॉसिल्स नहीं मिलते, और जब उनके फॉसिल्स नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है देर इज़ नो कम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब कि हम ये नहीं बता सकते, हमारे पास कम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। मतलब कि जब से दुनिया शुरू हुई, जब से प्लैनेट अर्थ पे, जब से ज़िंदगी आगाज़ में आई, पहला जो जानदार था, पहला, आपको पता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन था प्लैनेट पे, अर्थ पे, प्रोकैरियोट, ठीक है, सिंगल सेल था सिर्फ, प्रोकैरियोट, ठीक है। तो अब तब से लेकर अब तक अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें, अरेंज करें, ठीक है, उनको एक सीक्वेंस में करें कि 100 साल पहले ये था, फिर 200 साल पहले ये आया, फिर 2000 में ये ऑर्गेनिज्म आया, फिर 2005 में ये स्पीशी आ गई, इस तरह से ईयर वाइज, साल के थ्रू अगर हम ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें, तो हमें कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्यों, उन बॉडीज़ का जो सॉफ्ट है। ठीक हो गया, समझ आ गई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइलेटिक लाइनेज, ठीक है। फाइलेटिक लाइनेज में उसने स्टार्ट ही बायोडाइवर्सिटी से किया है। वो कहता है बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है। वैरायटी का क्या मतलब है? विद इन और अमंग स्पीशीज,
वैरायटी किस में हो सकती है, स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकती है और स्पीशीज़ के दरमियान में भी हो सकती है, विद इन स्पीशी और अमंग द स्पीशी। मैट्रिक में आपने पढ़ा था 10 मिलियन है हमारी जो आबादी है, मतलब जो नॉन है साइंस से ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी बुक लिखती है 25 लाख है और 2.5 मिलियन है, ठीक है। ये वो उसने फिगर बताई है फर्स्ट ईयर वाली बुक में, 2.5 मिलियन जो कि साइंस को नॉन है, साइंटिस्ट जिन्हें जानते हैं, नॉन टू साइंस, ठीक हो गया, जो साइंटिस्ट जानते हैं। अच्छा, अब आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है, उसमें क्या क्या आता है, किंगडम मोनेरा, ठीक है, मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, ठीक है, फिर किंगडम फंजाए, फिर किंगडम प्लांटी, फिर किंगडम एनिमेलिया, फाइव किंगडम्स जो हैं वो इस 2.5 मिलियन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फॉल करते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को, ये जो 2.5 मिलियन है, ये बहुत कम क्वांटिटी है, बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास तकरीबन 10 to 30 मिलियन एग्जिस्ट करती हैं स्पीशीज़ की बात हो रही है ये, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कह रहा, वो स्पीशीज़ कह रहा है कि हमारे पास 10 to 30 मिलियन एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से हमारे पास नॉन क्या हैं, नॉन 2.5 मिलियन है, ठीक है, मतलब ये हो गया नॉन, और ये जो है 10 to 30 मिलियन ये क्या है गया अननोन, मतलब अब अगर आप इसको कंपैरिजन करो तो ये तो उसका आधा भी नहीं है, 2.5 मिलियन, ठीक हो गया, मतलब बहुत थोड़ी अमाउंट है, सही है। अब वो कहता है कि साइंटिस्ट ने उन ऑर्गेनिजम्स को पुट इनटू द कैटलॉग, ठीक है, एक कैटलॉग में अरेंज किया है या एक बुक में अरेंज किया है, कैसे अरेंज किया है, उसने कहा है कि इंसेक्ट्स जो है ना वो हमारे पास जो हैं 53.1% है, ठीक है, ये बुक में आपकी सारी परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स जो हैं मतलब इंसेक्ट मोर देन हाफ नंबर है, अगर आप इसका 2.5 का हाफ करो, ठीक है, तो क्या होगा 1.25, ठीक है, यानी कि ये 1.25 से भी 53.1% इंसेक्ट्स ही हैं सिर्फ, ठीक है, मतलब ये मोर देन हाफ क्वांटिटी ऑफ दिस 2.5 मिलियन, ठीक हो गया। फिर एनिमल्स उसने किसने बताया, 19.91, वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर बंडल्स जिनमें होते हैं, उनमें क्या क्या होता है वेस्कुलर बंडल्स में, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स कितने हैं 17.6%, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की है उसने, कितने हैं, लास्ट रिमेनिंग जो आ जाते हैं वो 9.4% आ जाते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है हमारे किंगडम मोनेरा आ जाएगा, ठीक है, मोनेरा, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, फिर किंगडम फंजाए, फंजाए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फॉल करेगा, फिर एल्जी प्रोटिस्टा में फॉल करेगा, ठीक है, एल्जी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक हो गया। अब इंसेक्ट्स जो हैं वो एनिमल्स का पार्ट हैं, जब आप चैप्टर पढ़ोगे किंगडम एनिमेलिया वाला इसी में ही 11th क्लास में, तो ये जो इंसेक्ट्स हैं आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया में फॉल करेंगे, ठीक हो गया। तो 1, 2, 3, ठीक हो गया, 4, 5 कौन सा है, 4, 5 मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आ जाएगा। तो ये 5 किंगडम्स जो हैं बुक ने हमारी कवर की हैं, और वो क्या कहती है कि ये 5 किंगडम जो हैं वो किधर आते हैं, नॉन स्पीशीज़ में आते हैं, 2.5 मिलियन स्पीशीज़ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट ने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को अरेंज नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही नहीं मिला, उनके फॉसिल्स ही नहीं मिले, क्योंकि उनकी वर्टिब्रेट्स नहीं थी, उनकी बैकबोन ही नहीं थी, सॉरी वर्टिब्रेट नहीं, बैकबोन नहीं है उनकी, ठीक हो गया, उनकी हमें हड्डियाँ मिली ही नहीं है, ठीक है, तो वो इस कैटलॉग में नहीं आए, और जब वो इस कैटलॉग में नहीं आएंगे तो इसका मतलब है हमारे पास जो वो है रिकॉर्ड जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। फाइलेटिक लीनेज हमारे पास, अब उसकी देखो तुम, यही बताती है कि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड ऑर्गेनिजम्स का नहीं है। फिर हमारा जो एवोल्यूशन है, वो कहते हैं एवोल्यूशन क्या है, इर्तका, एवोल्यूशन जैसे जैसे पहली स्पीशी की अगर बात करें, ठीक है, हमारे पास क्या था, प्रोकैरियोट था, जो कि क्या था, सिंगल सेल, उसमें एवोल्यूशन हुई, ठीक है, वो सिंपल यूकैरियोट में कन्वर्ट हुआ, फिर सिंपल से कम्प्लेक्स यूकैरियोट में कन्वर्ट हुआ, फिर कम्प्लेक्स यूकैरियोट से उसमें वेरिएशंस आई, उसमें एवोल्यूशन आई, वो फिर ह्यूमन बन गया, मतलब ह्यूमन इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ठीक है,
अगर आप बाकी ऑर्गेनिजम्स को देखो तो बाकी ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है, या अगर हैं भी तो वेल डिवेलप्ड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर है भी तो एक आधा सिस्टम है बस। ह्यूमंस में तो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, तो मोस्ट कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन है, मतलब कि कम्प्लेक्स यूकेरियोट, हम यूकेरियोट्स में फॉल करते हैं ना, समझ आ रही है। तो वो कहता है तो एवोल्यूशन हुई 3000 मिलियन अगो, 3000 मिलियन अगो जब एवोल्यूशन हुई तो तब सिर्फ सिंगल सेल था, और सिंगल सेल्स किस में फॉल करते हैं, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएशंस आई, एवोल्यूशन तभी होती है जब उसमें वेरिएशंस आए, जब वेरिएशन नहीं आएगी तो एवोल्यूशन नहीं होगी, ठीक हो गया। डेफिनेशन देख लो इसकी, वो क्या कहता है एंड में उसने डेफिनेशन बताई है, वो कहता है ये एक अनब्रोकन सीरीज है, ठीक है। फाइलेटिक लाइनेज क्या है, सीरीज है अनब्रोकन, किसकी, ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की अनब्रोकन सीरीज है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, ठीक हो गया, डिसेंडेंट्स तक है, ठीक हो गया। आगे कहाँ से आते हैं वो, दैट इमीजिएटली प्रिसीडेड, फौरन पहले वाले से आएंगे, ठीक हो गया। वो डिसेंडेंट्स कहाँ से आएंगे, फौरन पहले वाले से आएंगे, दैट इमीजिएटली प्रिसीडेड। फॉर एग्जांपल एक ये स्पीशी, एक ये स्पीशीज, एक ये स्पीशीज, एक ये स्पीशी, एक ये स्पीशीज, ये हमारे पास क्या हो गया, एंसेस्टर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, डिसेंडेंट। अब ये जो फोर है, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये फाइव से आया, ठीक है, सॉरी फाइव जो है वो कहाँ से आया, फोर से आया, मतलब दैट इज इमीजिएटली प्रिसीडेड, वो जो फाइव है वो फौरन से पहले वाला आया, फौरन पहले वाला, ठीक है, इमीजिएटली प्रिसीडेड का फौरन पहले वाला, मतलब फाइव जो है वो फोर से आया, फोर जो है वो थ्री से आया, थ्री जो है वो टू से आया, टू से है जो है वो किस से आया, वन से इवॉल्व हुआ है। हम अब ये तो नहीं कह सकते वाइव फाइव जो है वो वन से आया, नहीं, फाइव डिसेंडेंट जो है वो हमेशा अपने पहले वाले से आएगा, फोर से इवोल्व होगा, ठीक है, उसमें वेरिएशंस आएंगी, एवोल्यूशन होगी, तो ये नहीं होगा कि डायरेक्ट एंसेस्टर वन से ही पैदा हो जाएगा, नहीं, वो अपने पहले वाले से इमीडिएट इवोल्व होगा, समझ आई। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक फाइलेटिक लीनेज का क्या है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हमें नहीं मिलते, ये ड्रॉबैक है फाइलेटिक लीनेज का, इसलिए हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक हो गया। चलो आप कोई क्वेश्चन है तो पूछो, थैंक यू सो मच, आपको ना समझ आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, थैंक यू।